नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पहले से पता होगा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है जिसमें कि आप सभी अपने अपने डॉट्स पूछ सकते हो, और उस डॉट को लेकर के मैं एक वीडियो में बना देता हूं जिसमें कि कोशिश करता हूँ कि आपका वीडियो जो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर मैंने डॉट ले रखा है अमन पांडे जी का। उन्होंने लिखा है, विक्रांत भाई ये बताओ कि 1750 में 7% चलेगा, 1700 आएगा तो होगा या नहीं, या 7% लगा कर 1750 होना चाहिए। रिप्लाई करो, आधी अधूरी बात ना बताया करो। तो हालांकि इन्होंने पूछ रखा है, एक मैंने कल एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका नोटिफिकेशन में था 1750 का 7%, और वो भी 7% और 10% जो कि हर किसी को पता है, वो नोटिफिकेशन में आपका दिया हुआ नहीं है। पिछले साल के बेसिस पे हम एक अनुमान करके चलते हैं कि 7% रहेगा या 10%। अगर एक बात मैं बोलूं तो इस CHSL 17 का रिजल्ट 20 दिसंबर को आने वाला है, उस समय पे आप उसी आधार को लेकर के आगे अपना तैयारी कर सकते हो कि 18 में किस तरीके का टाइपिंग आएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 7% मैंने बताया था वो 1750 पे मैंने बताया था। अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ 1700 टाइप करता है तो वहाँ पर बचे 50 कैरेक्टर्स वो उसके मिस्टेक में माने जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये आपका क्वेरी कहीं ना कहीं सॉल्व हुआ होगा। एंड फिर से मैं आपको एक समराइज़ कर देता हूँ, 1750 का 7%, अगर आपने 1700 टाइप किया हुआ है तो बाकी के 50 कैरेक्टर्स जो आपके बचे हुए हैं वो आपके इरर में चले जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपका डॉट कहीं ना कहीं सॉल्व हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपका डॉट यहाँ पर रह गया होगा तो फिर से आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, चलता हूँ मैं। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।